यूएई और ओमान में अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में एक साथ कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद जहां विराट कोहली के लिमिटेड ओवरों की क्रिकेट से इस्तीफा देने और रोहित शर्मा को उनकी जगह कप्तान बनाए जाने की संभावना है, तो वहीं टीम के हेड कोच को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरों की बात करें तो अपने समय में भारतीय क्रिकेट के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ टीम इंडिया का अगला हेड कोच बन सकते हैं। द्रविड़ को मौजूदा कोच रवि शास्त्री के जाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया जा सकता है, और इसी बात के संकेत देते हुए खुद BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अपने एक बयान के जरिए दिए। हेड कोच रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट टी20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो शास्त्री भी आगे कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि NCAA के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ को टीम का नया हेड कोच बनाया जा सकता है। हालांकि द्रविड़ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वह टीम इंडिया के अगले कोच नहीं होंगे। उन्होंने कहा वह NCAA में अपनी भूमिका को जारी रखेंगे। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय अंडर 19 और इंडिया ए की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम रनर अप रही थी, जबकि 2018 में द्रविड़ की कोचिंग में टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी। हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर भी द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया गया था और टीम वनडे सीरीज जीतने में सफल रही थी।